अपने अफगानिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन भी कल परसों देख लिया होगा, उन्होंने कहा कि भाई अपने काम से काम रखें। आपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे हम तन्हा रह गए और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं वहां से रिवर्सल बहुत मुश्किल हो जाए। और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलूचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती। तो ये एक सारी दुनिया को आईना दिखाते हैं, इनको कोई नहीं आईना दिखाता। दोस्तों, आज के वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बहस कर रही है कि इमरान खान के यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के बाद से ही पाकिस्तान की इमेज को बहुत तगड़ी चोट पहुंची है और ये गांव पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान को इमरान खान के एटीट्यूड के चक्कर में आज आइसोलेशन को फेस करना पड़ रहा है। वहीं इमरान खान के बड़बोलेपन की वजह से जो उन्होंने तालिबान को लेकर दुनिया के ऊपर इल्जाम तराशी करी है और तालिबान का वकील बनने की कोशिश करी है, इस बात पर तालिबान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि वो अपना मुंह बंद करे और तालिबान के मामलों में दखल ना दे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। बेसिकली खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ, तो आप इंडिविजुअल नहीं है, आप पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे हम तन्हा रह गए। अमेरिका ने तो गॉड नोज क्या करना है हमारे साथ, लेकिन आप ब्रिटिश देख लीजिए, ये फाइव आईज जो ऑस्ट्रेलिया जिसमें और ये न्यूजीलैंड शामिल था, उन्होंने क्रिकेट आपने देख लिया, आप फेटफ में फंसे हुए हैं, आईएमएफ में फंसे हुए हैं। तो ये अगर ऐसी कोई आपके अंदर ईगो है कि आपकी ईगो हर्ट होती है कि उसने फोन नहीं किया, उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। अगर फर्ज कर लीजिए सेंक्शन लगती है, हम पहले ही मरे हुए, इकॉनमी हमारी टूटी हुई है, ये मुल्क बिल्कुल, मुझे तो एक और चीज लगती है, मुझे लगता है कि ये पर्पसली इस मुल्क को डुबा रहे हैं। वरना कोई शख्स, देखिए आप अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है तो आप पाकिस्तान के बिहाफ पे ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते और लोगों को नाराज नहीं कर सकते। सऊदी अरब को नाराज कर दिया, यूएई, तो ये वो लोग हैं जो कभी पाकिस्तान के से नाराज नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान के थ्रू आउट उन्होंने सपोर्ट की और करते थे। अब आपके बिहेवियर की वजह से नुकसान पूरे पाकिस्तान का हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बात, अगर वो समझते हैं कि मतलब खाना मैंने मांग पीन कर हो, लोगों से खाना हो और रकड़ मेरी इतनी हो, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या कहां, मतलब क्या फॉल्ट है, किस जगह पे कहां गलती हुई। आपको सोच समझ के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलनी चाहिए। बदकिस्मती है मेरे समेत पाकिस्तानियों की कि कैसे कैसे लीडर हम, मतलब मैं मेरे समेत, इसलिए कि मैंने भी इनको वोट दिया था और मैं भुगत रहा हूँ, तो बाकी भी भुगत रहे हैं बेचारे। और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं वहां से रिवर्सल बहुत मुश्किल हो जाए। यानी कि सारी दुनिया को ही ब्लेम कर रहे हैं ना, देखें आप ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं और इसलिए दुनिया के हालात खराब हैं। तो मलबा उन्होंने हमेशा दूसरों पर ही डालना होता है और आईना वो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं और उनको कोई आईना अगर दिखाएगा तो इनको बहुत तकलीफ होगी। मतलब इंडिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो बिल्कुल बातें उनकी सही थी, ऐसी बात नहीं थी कि उसमें कोई बात गलत थी, बातें उन्होंने सही आइडेंटिफाई की कि इंडिया में ये कुछ हो रहा है, लेकिन आपके अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का आपका क्या इस वक्त सूरत हाल है, कोई आप पे बात करेगा तो आपको तो यहाँ बहुत तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी। किसका क्या हक है कि हमारी वो उस पर बात करे। अब ठीक है, कश्मीर का एक मसला एक अलहदा लेवल का मसला है, मगर ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स है ना, जहां भी वायलेट हो, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो इन्होंने बात की कि जी पश्तूनों की जो बात की उन्होंने, तो मुझे एक मिनट के लिए बड़ा अजीब लगा जो इन्होंने कहा कि जी वो तो पश्तून नेशनलिस्ट हैं। तो जो हमारे यहाँ, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पश्तून जो हैं वो उनकी तरफ हो गए, तो इनको एक मिनट के लिए भी पता याद नहीं रहा कि पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के नाम से लाखों लोगों की, जो आपके उधर फाटा में और उधर लाखों लोगों की जो मूवमेंट है, आप तो उनका टीवी पे एक टिकट नहीं चला सकते
और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलूचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती। तो ये एक सारी दुनिया को आईना दिखाते हैं, इनको कोई नहीं आईना दिखा सकता। तो बेसिकली खान साहब शायद इनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं मिलता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब आप खिताब करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर और नपे तुले अंदाज में आपने वो बात अपनी कन्वे करनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। आप कभी उनको ब्लेम नहीं करते, और अगर वो ब्लेम करें, जैसा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तनाजर में ब्लेम किया जा रहा है, तो नेचुरली जब आप सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे आपने ही अफगानिस्तान को फतह किया, तो फिर डिसक्रेडिट भी आपके हिस्से में आएगा, हालांकि उसमें हमारा शायद पाकिस्तान का कोई इतना अमल दखल नहीं है। तो देखना यह है कि आपने पाकिस्तान की आवाम की उस तरीके से तो बात नहीं की, हाँ अलबत्ता कुछ डेफर पेमेंट्स की बात की इंडिया पे, और ज्यादा सबसे ज्यादा जो फोकस रखा आपने वो अफगानिस्तान पे रखा, और आपने अफगानिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन भी कल परसों देख लिया होगा, उन्होंने कहा कि भाई अपने काम से काम रखें और हमारे काम में मुदाखलत ना करें, ना हमें एडुकेट करें कि जी इस तरह होगा और इस तरह होगा। तो आई डोंट नो खान साहब को किसने ब्रीफ किया, मेरे ख्याल ये ब्रीफिंग लेते भी नहीं है किसी की, और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को कि आप अफगानिस्तान पे सोचिए और एक्सपर्ट एज ए ओपिनियन अपना दे रहे थे, हालांकि मैं नहीं समझता कि खान साहब को अफगानिस्तान के बारे में डीपली नॉलेज है, तो वरना वो हसैन अकानी को, हसैन अकानी नेटवर्क को इतना बड़ा ट्राइब ना कहते। तो देखना यह है कि आपने जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, एक एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर उसके बाद आज आप देख लीजिए हमारे साथ हो क्या रहा है, और अभी सुना है सैंक्शंस भी शायद लग जाएं। तो बजाय इसके कि आप अफगानिस्तान, नो डाउट के अफगानिस्तान की फिक्र होनी चाहिए, मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, जो शादियाने बजा रहे थे, थोड़े दिनों में वो बुखार भी उतर जाएगा तालिबान की मोहब्बत वाला। तो बेसिकली आपको फिक्र करनी चाहिए अपने मुल्क की, जो आपने अपने मुल्क की हालत कर दी है उसका आपको शायद अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों आपके अपने चैनल फाड़ू फैक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। अगर आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से स्किप करके भी जा सकते हैं, वरना आइए दोस्तों वीडियो को एनालाइज करते हैं। जैसा कि आशंका थी वही होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान के यूनाइटेड नेशंस के 76वें सम्मेलन में वर्चुअल भाषण के बाद से इमरान खान के ऊपर तरह तरह की तकरीरें शुरू हो चुकी है कि आखिर इमरान खान ने यूएस से जाकर स्पीच देना क्यों सही नहीं समझा, पाकिस्तान ने इतना बड़ा मौका खो दिया है जिससे वो लोगों को मना सकते थे, जो भी लोगों को पाकिस्तान को लेकर शिकवे थे वो उनको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन असल बात कुछ और नजर आ रही है जिसके ऊपर पाकिस्तानी एनालिस्ट का भी यही मानना है कि इमरान खान और पाकिस्तान यही चाहते थे कि वो भी अमेरिका जाए, वहां बाइडन से मिले और यूनाइटेड नेशंस में जाकर एक जोरदार स्पीच भी दे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट और वहां के मिनिस्टर्स इमरान खान से मिलना नहीं चाहते थे, और अगर ऐसे में इमरान खान वहां जाते और मीटिंग से इनकार हो जाता तो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती पाकिस्तान को। वही इमरान खान की स्पीच में देखा जाए हमेशा की तरह इंडिया को तो निशाना बनाया ही जाता है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान को लेकर इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर भी काफी इल्जाम तराशी की गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा यूज किया है और मुसीबत में फंसाकर पहले भी गए थे और अब दोबारा जा रहे हैं। वहीं जोर जोश में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतने आगे निकल गए कि वो गलत फैक्ट देने लग गए, जिसके ऊपर पाकिस्तान में उनको लेके काफी बात भी हो रही है कि एक तो इमरान खान एक स्क्रिप्टेड स्पीच दे रहे थे और उसमें भी गलत फैक्ट्स को लेके बात कर रहे हैं, और अपने बड़बोलेपन की वजह से ही पाकिस्तान आज दुनिया के आगे इतना आइसोलेट हो चुका है कि पॉलिटिकली तो उनको सब इग्नोर कर ही रहे थे, वहीं अब स्पोर्ट्स फील्ड में भी उनको इसकी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट पर पाकिस्तान के दर्द अलग झलकता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने मोदी को 2002 में बैन किया हुआ था गुजरात इंसिडेंट के ऊपर कि वो अमेरिका में कदम नहीं रख सकते, ना उनको कभी वीजा मिल सकता, और आज वो इस तरह मोदी का स्वागत कर रहे हैं मानो कितना जिगरी यार आया हो अमेरिका का,
और अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी के विजिट के बाद से पाकिस्तान को लेके अमेरिका का रुख और तेज होगा और थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, और कुछ ना कुछ जल्द ही ऐसी न्यूज आ सकती है जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो यही होती है समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपका इन डिबेट्स को लेकर क्या विचार है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर जाहिर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।